राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। मेवाड़ की दो विधानसभा सीट वल्लभ नगर और धरियावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ मैदान में जुट गई हैं। ऐसे में वल्लभ नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया। इसमें जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्टी के पदाधिकारियों संग बैठक की और चुनाव को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी के नेता नाटक करने में मास्टर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में एकजुट रहने और ईमानदारी से कार्य करने की अपील भी की है। वादे किए थे पूरे देश की जनता से, उन वादों पर खरी नहीं उतरी। मुझे पक्का विश्वास है जो व्यक्ति कांग्रेस की प्रीति सत्ता को नगराज को वोट देगा, नारा एक ही लग रहा है, प्रीति को वोट, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पर चोट, ये नारा चल रहा है वल्लभ नगर, ये नारा चल रहा है धरियावद में और इस नारे की गूंज पूरे देश में सुनाई दे। मौका उन लोगों को जवाब देने का जो नारा लगाते थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 112 को पार कर रहा है पेट्रोल, 100 को पार कर रहा है डीजल, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म, किसान मर रहा है बॉर्डर पर, फूट के आंसू रो रहा, किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। आज पूरा देश इन उपचुनावों की तरफ देख रहा है।